नमस्कार, हमारे चैनल माँ की देसी रसोई में आपका स्वागत है। आज हम ड्राई रसगुल्ला बनाएंगे। इसके लिए हमने आधा किलो खोया लिया है और ये भूरा शक्कर लिया है 100 ग्राम, 100 ग्राम मैदा लिया है और आधा किलो चीनी लिया है, ये थोड़ा सा खाने वाला सोडा। सबसे पहले इसमें हम मैदा मिलाकर अच्छे से सान लेंगे और ये सोडा भी डालेंगे, 1 पिंच सोडा है। हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, इसको मसल कर सान लेंगे। ये रसगुल्ले के लिए हमने डो तैयार कर लिया है, इधर चाशनी बना लेंगे। ये पैन में शक्कर डालेंगे और इसी कटोरी से 1 कटोरी भरकर पानी डालेंगे। चीनी भूनने तक चलाते रहेंगे। अभी 2 मिनट के लिए और हम पकाएंगे। ये हम चाशनी चेक कर लेंगे। तो 2 मिनट के लिए और हम पकाएंगे। चाशनी हो गई है, आप देख सकते हैं देर देर से भून टपक रहा है और आप उंगली और अंगूठे में चिपका कर देख लें, बीच में चिप 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 करने लगे तभी बंद कर दें। ये तेल हमने गरम करने के लिए चढ़ा लिया है और जब तक तेल गरम हो रहा है इसको हम और मसल लेंगे। आपको इस तरह का डो रखना है, ये आप देख सकते हैं। थोड़ा सा गीला रखेंगे तो आपके रसगुल्ले बहुत फूले फूले बनेंगे। हमने अच्छे से मसल लिया है मैदा और खोया का डो, अब इसके हम रसगुल्ले बनाएंगे। तो आप अच्छे से चिकना कर दें। तेल गरम हो गया है, अब इसमें हम रसगुल्ला डालेंगे। ये रसगुल्ले फूल कर ऊपर आ गए हैं, आप देख सकते हैं, और ये पक गए हैं, इन्हें हम निकालेंगे। इनको थोड़ी देर हम ठंडा करेंगे और बाद में चाशनी में डालेंगे। इसी तरह से हम सारे रसगुल्ले बना लेंगे। ये रसगुल्ले भी पक गए हैं और ये पहले वाले रसगुल्ले अब हम चाशनी में डाल देंगे। ये गरम चाशनी है और इनको निकालेंगे। ये सारे रसगुल्ले बन गए हैं और हम इन्हें निकालेंगे।
ये सारे रसगुल्ले हमने चाशनी में डाल दिए हैं और एक घंटे के बाद इनमें शक्कर लगाएंगे। ये रसगुल्ला को रखे हुए एक घंटे हो गए हैं, अब इन्हें हम निकाल लेंगे और भूरा शक्कर में लपेटेंगे। अब इन्हें हम भूरा शक्कर में लपेटेंगे। इस डिब्बे में रख देंगे। आप ये ड्राई रसगुल्ले किसी भी सफर में या किसी को गिफ्ट देना है उसमें भी आप दे सकते हैं। ये हमने भूरा शक्कर में लपेट दिया है और ये ड्राई रसगुल्ला बनकर तैयार हो गया है। आप कहीं भी इनको ले जा सकते हैं। आप जब भी रसगुल्ला बनाएं, ये पानी डालकर डो गीला कर लें उसका, खोए और मैदा का, तो आपके रसगुल्ले बहुत फूले फूले और अंदर से स्पंजी बनेंगे। आशा करती हूँ कि आज की रेसिपी पसंद आई होगी। आप हमारे चैनल को प्लीज जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।